वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। जैसा कि अब तक हमने देखा था, हमने जो भी वीडियो बनाई है उसमें हम पढ़ रहे थे अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, सॉरी बीएससी पार्ट आपका फर्स्ट था। और आपका सेमेस्टर भी कौन सा था इसमें? सेमेस्टर भी हमारा फर्स्ट था, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। तो इसमें आज हम आपको लेके आए हैं एक नया क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल को समझाइए, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल है आपका और टार्ट्रिक अम्ल है इनको समझाना है। किसके आधार पर समझाना है? इससे पहले हमने पढ़ा था समावयवता, ठीक है, स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो उसके आधार पर इनको समझाना है या इनकी व्याख्या करना है, यह आपसे पूछ सकता है। कह रहा है लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल की समावयवता को समझाइए, यानी कि इनकी समावयवता को आपको समझाना है, ठीक है। एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो इनकी समावयवता आपको बतानी है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दूसरा, आपसे बी करके पूछ लेगा, कहेगा बी, ठीक है, कहेगा रेशमीकरण व रेशमिक मिश्रण पर टिप्पणी लिखिए, या आप रेशमीकरण और रेशमिक मिक्सचर पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। राइट ए नोट ऑन रेशमाइजेशन एंड रेशमिक मिक्सचर, ये दोनों क्या चीज होते हैं, इस पे पूछ लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या किस तरह से हमें लिखना होगा आंसर में, तो किस तरह से आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर में। कह रहा है लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड, जिसमें क्या होता है CH3CHOHCOOH में असंमित, क्या होता है, असंमित कार्बन परमाणु से चार विभिन्न समूह, यानी कि CH3 लगा होगा, एक आपका हाइड्रोजन लगा होगा, एक OH ग्रुप लगा होगा और एक COOH यानी कि एसिडिक ग्रुप लगा होगा, ठीक है, जुड़े रहते हैं। तो ये चार ग्रुप आपके असंमित जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये समूह दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है, दो प्रकार से आपके व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं चित्र में किस तरह से दिखाया गया और क्या है, जानते हैं क्यों। ये देखो, ये है आपका कार्बन, ठीक है, लैक्टिक एसिड का, ठीक, इससे क्या क्या जुड़ा है आपका, ये CH3 ग्रुप जुड़ा है एक, दूसरा कौन सा लगा है COOH ग्रुप लगा है, तीसरा क्या है आपका OH और चौथा क्या है आपका हाइड्रोजन। तो ये चार जो ग्रुप इससे लगे हुए हैं, चारों कैसे हैं आपके, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो वह कोई भी कार्बन जिस कार्बन से चार ग्रुप लगे हुए होते हैं और वो चारों एटम या ग्रुप अगर आपके डिफरेंट है, ठीक है, तो वो कार्बन क्या कहलाता है आपका, कायरल, क्या कहलाता है, कायरल है, चिरेल भी उसको पढ़ते हैं, ठीक है, CHI, तो ये आपका कहलाता है कायरल, ठीक है, या किरेल कहते हैं, कभी कभी चायरल पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। दूसरा आपका क्या है, ये लैक्टिक एसिड का क्या है, मिरर इमेज, लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक। तो लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज है, ये कार्बन है, कार्बन से चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं या एटम लगे हुए हैं वो कैसे हैं, चारों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं कि कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात किरेल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किरेल, यानी कि एक कार्बन परमाणु से जो चारों अपने समूह लगे होंगे या एटम लगे होंगे वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, इसमें है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है इसकी, सेटिस्फाई है। दूसरा कह रहा है इनकी जो मिरर इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, कैसी होनी चाहिए, मिरर इमेज, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज, कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए मिरर इमेज। अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, अपने हाथ अगर आप इसको शीशे के दर्पण के सामने ले जाओगे तो सेम ऐसा ही आपका हाथ
जो बन जाएगा। अगर हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये क्या है, सुपर इम्पोज है, यानी कि रखा जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोज कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होनी चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि जैसे कोई हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने रख लिया, तो इस पे जो चार एटम लगे हुए हैं या चार ग्रुप लगे हुए हैं, वो सभी उनको अगर हम उस मॉलिक्यूल को बीच से अगर काटें तो दोनों बराबर बराबर भाग नहीं बटने चाहिए, ठीक है। यानी कि चारों जो एटम लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, वो बराबर इधर भी यहाँ वहाँ, मतलब बराबर बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ए, यहाँ पर लिख दूँ बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, तो ये क्या होगा, अगर आप इसको बीच से काटोगे तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब चारों जगह ए ए लगे होंगे, क्या लगे होंगे, चारों जगह अगर आपके ए ए लगे होंगे तो क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इसमें नहीं है। अगर आप इसको बीच से काट दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ सी डब्लू एच, और इधर क्या आ जाएगा आपका सी एच थ्री, एक क्या आ जाएगा ओ एच, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो आइसोमरिज्म को शो करता है उसके लिए ये तीन कंडीशंस जो लगभग मतलब सेटिस्फाई वो करता हो, फुलफिल करता हो, तभी वो क्या करेगा, आइसोमरिज्म को शो करेगा, ठीक है। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका लगा हुआ है मिरर, ठीक है, ये क्या है आपका मिरर, ये आपका मिरर है, और ये क्या है इसकी मिरर इमेज, मतलब यहाँ पर आपने एक ये मॉलिक्यूल रखा है आपने लैक्टिक एसिड का, उसके सामने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, तो इसकी जस्ट ऐसे ही बन जाएगी, मतलब मिरर में जो चीज पास होती है वो पास बन जाती है, जो चीज दूर होती है वो क्या होती है, दूर बन जाती है, ठीक है। तो ये होती है मिरर इमेज, ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, और OH यहीं पे रहेगा। इसको उठा के अगर इस पे रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोज, क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोज। इस कंडीशन को हम कहते हैं इनेंशियोमर, क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर, यानी कि प्रतिबिंब रूप, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हो गए। तो इतनी कहानी समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, सॉरी, या देखो, ये हमने ले लिया हमारा लैक्टिक एसिड, सॉरी, ये आपका क्या है, ये है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगा हुआ है, एक सी एच थ्री लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ, ओ एच। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेन पोलराइज को, यानी कि जो हमने प्लेन पोलराइज लाइट थी, ठीक है, उसको ये राइट राइट हैंड साइड में, मतलब राइट जो है दक्षिण दिशा में ये उसको घुमा पाता है, या लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बामा भरती है, उसको रोटेट कर पाता है। तो यही बताना है, ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट और लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या ये घुमा सकता है। तो घुमाने के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ी थी अभी तीन, वो कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये उसको क्या कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट होती है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट, मतलब कि इसका प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होगा, समान रूप से फैला होगा। इसको हम किससे गुजारते हैं, कि निकल प्रिज्म से, ठीक है, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, क्या होता है ये, निकोल प्रिज्म से जब हम इसको गुजारते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एक प्लेन लाइट, ठीक है, क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इस तरह की, यानी कि एक ही तल में पूरी लाइट हमें मिलेगी, ठीक है। अब इस ये जो हमारे पीपीएल है, हमारे पास क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इसको कोई भी मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई पदार्थ, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि इधर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, ठीक है, इन दिशाओं में घुमा सकता है, घुमा सकता है, तो बस वही क्या कहलाता है हमारा, ऑप्टिक कंपाउंड, क्या कहलाता है, ऑप्टिकली ऑप्टिक, जो इसको घुमा सकता है, मतलब ये जो प्लेन में है ना, इसको या तो थोड़ा इधर घुमा दे राइट हैंड साइड, या क्या कर दे लेफ्ट हैंड साइड घुमा दे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जो पदार्थ इसको घुमा सकता है उसी को हम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं,
ऑप्टिकली एक्टिव वो पदार्थ क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव क्या कहलाता है, एक्टिव। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें, अब देखिए इसको देखने के लिए एक फंडा होता है, तो देखो इसको देखने के लिए यानी कि ये किस वे में लाइट को घुमाएगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा या लीवो रोटेटरी घुमाएगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। इस तरह से अगर इस तरह से घूमेगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्लॉकवाइज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम प्लस का या डी से दर्शाते हैं, किससे, प्लस के चिन्ह से या डी के चिन्ह से इसको हम शो करते हैं। तो देखिए इसको घुमाने का एक फंडा होता है कि आपको जाना होता है कहाँ, लोअर टू हायर। ठीक है, यानी कि आपको हाइड्रोजन से OH ग्रुप की ओर जाना है, कहाँ जाना है, हाइड्रोजन से OH ग्रुप की ओर जाना है, और किधर से जाना है, लोएस्ट ग्रुप से, लोएस्ट ग्रुप से आपको जो है जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको, अगर आप हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे, किधर, हाइड्रोजन से अगर आप OH की ओर जाओगे तो ये देखो कौन सा आपको डायरेक्शन लग रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से सीधा जिस तरह से घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव घूर्णक। क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव घूर्णक। तो ये जो हमारा है ये फॉर्म, इसको यह कहते हैं आप प्लस का, क्या कहते हैं, प्लस, या इसको कहते हैं डी फॉर्म। क्या कहते हैं, डी फॉर्म। ये कैसा, दक्षिण ध्रुव घूर्णक लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो डी फॉर्म होती है यानी कि इसका मतलब है कि इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, डी फॉर्म में यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी में घुमा देगा, किसको, इसको। अगर हम इसको धरें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे तो क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उल्टा घूम रहा है, घड़ी के जस्ट अपोजिट साइड में घूम रहा। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका वाम ध्रुव घूर्णक। क्या करेगा, वाम ध्रुव घूर्णक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये क्या करेगा, इसको ऐसा घुमा देगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको आप माइनस के या एल के साइन से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाम ध्रुव घूर्णक लैक्टिक अम्ल। तो ये हो गया आपका लैक्टिक अम्ल। आगे हम इसके देखते हैं, ये कह रहा है लैक्टिक अम्ल तीन रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है हमारा वो तीन रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज। तो नंबर एक, इसके नाम दे रखे हैं, कौन कौन से तीन रूप हैं वो नाम दे रखे हैं, इनका गलनांक क्या होता है और उसका घनत्व क्या होता है, और इसका ये विशिष्ट घूर्णक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विशिष्ट घूर्णक। क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन या स्पेसिफिक रोटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डी फॉर्म को आप प्लस लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका अगर गलनांक देखा जाए तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका डेंसिटी कितना होता है 1.248, और इसके अगर विशिष्ट घूर्णन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा प्लस का 2.14। ठीक है, और अगर माइनस की फॉर्म की बात करें, ठीक है, जो लीवो रोटेटरी होता है, माइनस या एल फॉर्म लैक्टिकम, तो ये क्या होता है, इसका आपका गलनांक कितना हो जाएगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लगभग किसके इक्वल है आपका प्लस डी। ठीक है, प्लस या डी फॉर्म के इक्वल है, और इसका घनत्व भी कितना है, दोनों का सेम है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट घूर्णन की अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, उसका प्लस 2.20 है, इसका कितना है -2.20, इसका +2.14 -2.20। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या होता है, डी प्लस है, डी प्लस एल या प्लस माइनस, धन और ऋण, रेसिमिक लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्म, अगर हम प्लस और माइनस यानी कि डी और एल दोनों फॉर्म को मिला दें तो जो हमें नया एक कंपाउंड मिलेगा या नया हमें एक मिश्रण मिलेगा वही क्या कहलाता है आपका, डी या एल, या उसी को हम कहते हैं रेसिमिक लैक्टिक अम्ल यानी कि रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें गलनांक तो कितना हो जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका घनत्व कितना हो जाता है, लगभग घनत्व तीनों का सेम है, माइनस एल डी और एल डी का। ठीक है, तीनों का डेंसिटी इक्वल है, लेकिन इसका अगर आप निकालोगे स्पेसिफिक घूर्णन तो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक घूर्णन इसका कितना हो जाएगा, +-0.00। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कुछ बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है, नंबर एक क्या पूछ रहा है, कह रहा है डी या प्लस लैक्टिक अम्ल, डी और प्लस लैक्टिक एसिड।
तो ये कहाँ से मिलता है, कह रहा है इसको मांस यानी कि मीट जिसको हम खाते हैं, ठीक है, मीट मांस के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है, इसको मांस से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको सर्वोलैक्टिक क्या कहते हैं, सार्कोलैक्टिक, क्या कहते हैं, सार्कोलैक्टिक अम्ल। जहां पर सार्को का मतलब क्या होता है यूनानी की भाषा में, सार्को का मतलब क्या होता है मांस, जहां पर सार्को का मतलब यूनानी की भाषा में क्या होता है मांस होता है, ठीक है, इसलिए इसको सार्कोलैक्टिक अम्ल भी कहते हैं। इसको साधारण लैक्टिक अम्ल पर पेनिसिलियम ग्लोकम फफूंद, ये एक प्रकार का फफूंद होता है, इसकी क्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, किससे प्राप्त किया जा सकता है लैक्टिक अम्ल पर, किससे, पेनिसिलियम ग्लोकम फफूंद, ये पेनिसिलियम ग्लोकम नामक एक फफूंद होती है जिसको हम कहाँ रख देते, लैक्टिक एसिड पर रख देते, तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है, डी रोटेटरी, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। दूसरा कह रहा है माइनस या एल, एल या माइनस लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो ये देखो आपका क्या होता है एल और माइनस लैक्टिक एसिड, इसकी अगर हम बात करें तो इसको सुक्रोज यानी कि चीनी पर, चीनी पर किसकी क्रिया कर दें, कह रहा है चीनी पर बेसलेस एसिडो लिबो, क्या है बेसलेस एसिडो लिबो, ये एक क्या होता है आपका लैक्टाइड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं लैक्टाइड द्वारा किण्वन, किण्वन जानते हो फर्मेंटेशन करना, यानी कि जैसे अगर आप चीनी में या मिठाई में खमीर डाल दो, ईस्ट डाल दो, तो कुछ समय बाद उसका स्वाद खट्टा हो जाता है यानी कि वो फटने लगता है, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है किण्वन कहलाती है यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। इससे या साधारण लैक्टिक अम्ल जो कि इसका रेसिमिक रूप होता है, रेसिमिक रूप, आप डी और एल दोनों फॉर्म को मिला देते तो एक जो नई फॉर्म बनती है उसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, या तो वो रेसिमिक मिक्सचर का रूप होता है, ठीक है, को किसी प्राकृतिक बेस, ठीक है, कोई भी आपका नेचुरल बेस होगा जैसे ब्रसीन या स्ट्रिकनिन द्वारा क्या करते हैं वियोजित करके प्राप्त कर सकते हैं, या हम इनमें से कोई एक बेस ले लें ब्रसीन या स्ट्रिकनिन, इसके द्वारा इसका भी हम क्या कर दें वियोजन कर दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, तब भी हमें एल या माइनस लैक्टिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया प्लस और माइनस यानी कि एल और डी फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्या आता है एल और डी फॉर्म, जब ये दोनों कंबाइन हो जाती है तो आप जानते हो आपको क्या मिलता है, एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं डी एल या रेसिमिक लैक्टिक एसिड, तो रेसिमिक लैक्टिक एसिड क्या होता है दोनों फॉर्म का एक कंबाइंड फॉर्म होती है डी और रेसिमिक कह रहा है लैक्टिक एसिड, तो यह है डी तथा एल लैक्टिक अम्ल का सम अणु यानी कि इक्वी मॉलिकुलर होता है, ठीक है, दोनों के जो अणु होंगे या दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी 50-50% होनी चाहिए, ठीक है, इनका दोनों का क्या होता है एक मिश्रण होता है, ये खट्टे दूध और शर्करा के किण्वीकरण से यानी कि फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है, दूध जो खट्टा हो जाता है फट जाता है वहां से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किसको डी और एल को, ठीक, या हम क्या कर सकते हैं शर्करा का फर्मेंटेशन कर दो या किण्वीकरण कर दो उसका, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दो खमीर डाल दो वो कुछ समय बाद खट्टी हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है किण्वीकरण कहलाता है, तो ये तो आपका हो गया लैक्टिक एसिड का समावयवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल की, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है टार्ट्रिक अम्ल, कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता इनकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपको बताना है किसका टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो टार्ट्रिक एसिड का सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको कार्बन कितने मिल रहे हैं देखने को, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन, ठीक है, सॉरी ये चार कार्बन, तो कितना हो जाएगा सी फोर आपका ये हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः, सी फोर एच सिक्स और ऑक्सीजन भी कितने होंगे आपके छः, दो तीन और दो पाँच और एक छः, सी फोर एच सिक्स और ओ सिक्स, ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड सॉरी टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, तो इसकी हम प्रकाशिक समावयवता शो करेंगे जैसे कि अभी हमने देखा था लैक्टिक एसिड में, तो उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी वो तीन कंडीशन जो हमने देखी थी पहले दूसरी और तीसरी, सबसे फर्स्ट बात क्या होती है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी कि इनकी जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित तो नहीं होनी चाहिए, सेकंड क्या होता था प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी हमने देखा था कोई भी आप प्लेन ले लो तो इसके इधर जो चार ग्रुप हैं वो कैसे होंगे अगर सेम होंगे उनको बीच में से अगर हम काट देंगे तो दोनों जो हमें पोर्शन प्राप्त होंगे वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और क्या है थर्ड पॉइंट क्या है तो ये इसके
कुछ पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर नोट कराए थे उसी के आधार पर हम देखते हैं ये क्या कहता है। कह रहे हैं इसमें दो असम्मित कार्बन परमाणु होते हैं। असम्मित यानी कि कोई भी कार्बन परमाणु जिस पर जो चार एटम या हमारे ग्रुप लगे होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, होने चाहिए डिफरेंट, ए बी सी और डी, तो इसको कहते हैं असम्मित यानी कि असिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल यानी कि असम्मित। ठीक है, तो क्या होने चाहिए कार्बन परमाणु इसमें दो कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल। एक कार्बन आपका ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें इसको नंबर एक दे दो तो इस पे क्या लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, दूसरा सी डब्ल OH ग्रुप लगा है, थर्ड क्या लगा है आपका एच ग्रुप, और ये जो फोर्थ वाला इस कार्बन से ये जो लगा हुआ है ये पूरा आपका एक नेक्स्ट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, चार। एक इसको दे दो, दो इसको दे दो, तीन नंबर और ये चार, तो चारों कैसे डिफरेंट है अपने आप में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो कार्बन है ये कैसा है, असिमेट्रिकल है। ठीक, उसी तरह से अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन को एक नंबर OH को दे दो मान लो, ठीक है, दूसरा इसको दे दो, तीसरा इसको दे दो और चौथा आप इस वाले पूरे पोर्शन को दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमें दो कार्बन कैसे हो जाएंगे, असममित, ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन हो जाएंगे। दो कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल की त्रिविम संरचना, त्रिविम यानी कि स्टीरियो स्ट्रक्चर, त्रिविम संरचना मतलब उसके जितने भी एटम या ग्रुप लगे हुए होते हैं वो त्रिविम यानी कि स्पेस में किस तरह से अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। ठीक, वही वो कह रहा है निम्न प्रकार है, तो ये क्या है टार्ट्रिक अम्ल की संरचना। तो देखिए हम बात करते हैं, ये आपका एक कार्बन लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है, तो हमने देखा था कि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज को जो हमारी लाइट हमें मिली थी निकोल प्रिज्म से गुजारने पर उस लाइट को इसको कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसी लाइट को इसको दो भागों में मतलब दो भागों में इसको रोटेट कर सकता है कोई भी पदार्थ, वही क्या कहलाता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर कोई आपका ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो एक तो क्या करेगा इसको लीव रोटेटरी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज राउंड घुमा देगा, दूसरा क्या करेगा इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये क्या है टार्टिक एसिड। अब हमें देखना ये क्या टार्टिक एसिड इसको ये जो हमारे पास पीपीएल प्राप्त हुआ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या इसको ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या इसको ये घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है। अगर घुमा सकता है तो कौन कौन सी इसकी जो कंडीशन है वो फिलफिल होनी चाहिए या कौन कौन सी इसकी फॉर्म इसको घुमा सकती है। ठीक है, तो ये जानना है। तो चलिए हम देखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो एक पोर्शन इसमें देखो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, और ये दोनों कार्बन कैसे हैं आपके कायरल कार्बन, कैसे हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसकी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मतलब कंपाउंड हमारा कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड कायरल हो गया यानी कि इस पर चारों ग्रुप कैसे हैं डिफरेंट, और ये भी आपका कंपाउंड कैसा हो गया, ये भी आपका कैसा हो गया कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस पे दोनों कार्बन कैसे हैं कायरल कार्बन है। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन से कहाँ चले, हाइड्रोजन से OH की ओर। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका ये क्या है OH, तो हाइड्रोजन से OH की ओर चलो और इधर हाइड्रोजन से OH की ओर चलो, तो आपको हमें क्या मिलेगा, ये जो फॉर्म बनेगी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं डी, क्या कहते हैं डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इसको प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है डेक्स्ट्रो या प्लस का टार्ट्रिक एसिड है जो कि हमें ये बताता है कि ये वाली फॉर्म क्या करेगी, जो पीपीएल हमें प्राप्त हुई थी उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फॉर्म इसकी जो है रोटेट कर देगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें सेकंड, अगर हम इधर इसको यहाँ पर हमने मिरर इमेज लगा दी, क्या लगा दी यहाँ पर एक मिरर लगा दिया ये। ठीक है, ये आपका मिरर बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मिरर है, तो ये क्या है इसकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज से हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन से आप OH की ओर चलिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से आप OH की ओर चलिए, तो ये देखा जाए बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, क्या जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं एल फॉर्म, क्या कहते हैं एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। तो नेक्स्ट एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम जाए। ठीक है, देखो एच से OH की तरफ चलो आप, इधर एच से OH की तरफ चलो, तो ये कंडीशन ये शो करती है ना तो इसमें प्लस का है ना ही इसमें माइनस का है, ना ही इसकी डी फॉर्म है और ना ही इसकी एल फॉर्म है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं ये प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं घुमा सकता है, यानी कि ये हमारी कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन हमारी जो थर्ड वो है वो कैसी होगी, वो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को, लाइन को शो कर रही है, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज को क्या कर रही है, शो कर रही है। अगर हम इसमें बीच में एक प्लेन सिमेट्री लगा दें, यानी कि किसी इसको मॉलिक्यूल को कट कर दिया जाए, तो दो बराबर इक्वल भागों में बट जाएगा ये, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे फिलअप कर दें तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, ये OH यहाँ पहुंच जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वही शो करते हैं, ठीक है, वही शो करते हैं समावयवता को। तो ये वाला तो शो नहीं करेगा, ये दो शो करेंगे, डी फॉर्म आपकी और एल फॉर्म। अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड में अगर हम इनके इनके बीच में अगर संबंध को देखें, तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें, तो इसको उठा के अगर आप इस पे रखोगे तो बिल्कुल इस पे मतलब ऊपर से अध्यारोपित हो जाएगा, यानी कि इस पे आ जाएगा, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस पे नहीं आ पाएगा। तो ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड में आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोज, कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोज, या हम इनको कहते हैं इनेंशियोमर, क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। तो ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, इनेंशियोमर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और थर्ड की बात करें, तो फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डाइस्टीरियोमर, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके डाइस्टीरियोमर, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके डाइस्टीरियोमर, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड और थर्ड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड भी आपके क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरा जो फॉर्म है, एल और डी फॉर्म है, ये इनका संबंध क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन इनको हम एक दूसरे पर इस तरह से अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोज, यानी कि इनको कहते हैं इनेंशियोमर, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप तो है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहे। ये फॉर्म, ये वाली फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर हम देखें, तो ये वाला इसके साथ में क्या बनाएगा, डाइस्टीरियोमर, ये वाला भी इसके साथ में क्या बनाएगा, थर्ड वाले के साथ में डाइस्टीरियोमर बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जो थर्ड वाला है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये क्या करेगा, आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे चलें, कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल में दो समान असममित कार्बन परमाणु है, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल में अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या है, दो समान असममित कार्बन परमाणु है, ठीक है, जो जिनमें क्या रहता है, एक हाइड्रोजन OH और COOH और एक क्या रहता था CHOH COOH समूहों के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये देख लो यहाँ पर कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल को फिसर रचना के रूप में भी निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। फिसर रचना आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं ये फिसर रचना, ये फिसर रचना, ठीक है, तो ये वही फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी, ये कार्बन दोनों कैसे हैं आपके, कायरल कार्बन है, ठीक है, ये वाला भी आपका कैसा है, कायरल कार्बन, यानी कि असममित कार्बन है। तो यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे और इधर भी आप हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे, तो हम कह सकते हैं ये हमें क्या देगा, डी फॉर्म देगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये क्या है, इसकी मिरर इमेज, क्या है इसकी, मिरर इमेज। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से OH की ओर जाओगे, तो ये बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एल फॉर्म या माइनस, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, डजंट शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो केवल ये दो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ही क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म को शो करेंगे आपकी, ओके, ये आपके समावयवी, सॉरी, ये आपके टार्ट्रिक अम्ल के समावयवी है, ठीक है, आइसोमर है एक दूसरे के। नेक्स्ट कह रहे हैं टार्ट्रिक अम्ल निम्न चार रूपों में पाया जाता है, कौन कौन से चार रूप है, जिन चार रूपों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नंबर एक आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण ध्रुवक घोड़क टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवक घोड़क टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, तो कह रहा है दोनों ही सममित कार्बन परमाणु ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, किधर घुमा देंगे, ये ध्रुवित प्रकाश का जो तल था इसको किधर घुमा देंगे, हल्का सा दाईं ओर इसको जो है रोटेट कर देंगे, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी कि दक्षिण की दिशा में इसको यहाँ घुमा देंगे, ठीक है, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देते हैं। कह रहा है संरचना फर्स्ट जो हमने ऊपर देखी थी, इसमें सममित तल क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं होता है, पहला जो था वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, मतलब बीच में काटने पर दोनों बराबर भाग में प्राप्त नहीं होते हैं। कह रहे हैं इमली व अंगूरों से अम्ल डी
इमली वा अंगूरों से प्राप्त अम्ल डी रूप का होता है। इसका एमपी कितना होता है? 170 के आसपास। जो इमली और अंगूर हम खाते हैं तो उनमें आपका क्या पाया जाता है? उनमें भी आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका क्या होता है, जिसका रूप कैसा होता है? डी, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि वह क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है? दूसरा कह रहा है बामीय ध्रुवक घोड़क। बामीय ध्रुवक दूसरा है बामीय ध्रुवक घोड़क टार्ट्रिक अम्ल। अब कैसा होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पोटेशियम और टार्ट्रिक एसिड, पोटेशियम नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। कह रहा है दोनों ही सममित कार्बन परमाणु ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं। अब किधर घुमा देंगे? बाईं ओर घुमा देंगे। ठीक है, उसने किधर घुमाया था? दाईं ओर। अब क्या करेंगे? बाईं ओर घुमा देंगे। ठीक है, संरचना दो, इसमें भी कोई सममित तल नहीं होता, इसमें भी कोई सिमेट्री आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है यह रेशमिक, यानी कि डी और एल अम्ल को वियोजित करके प्राप्त किया जाता है। जो हमारे पास डी और एल फॉर्म बनती है, यानी कि प्लस और माइनस की फॉर्म जो प्राप्त होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको उसका अगर हम वियोजन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। ठीक है, बामीय ध्रुवक घोड़क लैक्टिक एसिड। ठीक है, ओ सॉरी, टार्ट्रिक एसिड हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा है रेशमिक मिक्सचर, यानी कि डी एल टार्ट्रिक एसिड। तो रेशमिक यानी कि डी एल टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो कह रहा है यह है डी अम्ल का सम अणुक मिश्रण, यानी कि डी और एल दोनों का सम अणुक मिश्रण होता है, डी और एल। ठीक है, डी और एल। ठीक है, इसलिए ध्रुवण आघूर्ण, ध्रुवण आघूर्ण यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि उसको घुमा नहीं पाता है। ठीक है, यह है बाह्य प्रतिकारक, यानी कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण अघोड़क होता है। कैसा होता है? अघोड़क होता है, यानी कि घुमा नहीं पाता। प्रयोगशाला में संश्लेषण द्वारा रेशमिक रूप प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रयोगशाला में संश्लेषण द्वारा रेशमिक रूप हम इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज दोनों हम मिला देंगे, जो वाला और डी फॉर्म, तभी हम क्या करते हैं, करेंगे रेशमिक मिक्सचर को हम प्राप्त कर लेंगे, जिसका एमपी कितना होता है? लगभग 260 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। फोर्थ कह रहा है मीजो टार्ट्रिक अम्ल। अब ये मीजो कंपाउंड क्या होता है? जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करता है, वही हम कहते हैं कि मीजो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था ऊपर, जिसमें क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक तरफ क्या था आपका? सी डबल ओ एच, और दूसरी तरफ भी आपका क्या था? सी डबल ओ एच। यहाँ पर आपका क्या था? ओ एच, और यहाँ पर भी आपका क्या है? ओ एच। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये आपका होता है मीजो कंपाउंड। क्या होता है? इसी को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो यही क्या होता है हमारा? मीजो कंपाउंड होता है। ठीक है, एक कार्बन आपका ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है। तो इसमें देखो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही, जैसा पार्ट नीचे का है वैसा पार्ट ऊपर का है। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल भाग में इसको बांट सकते हैं, तो इसको कहते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो कह रहा है इसमें एक असममित कार्बन परमाणु ध्रुवित प्रकाश के तल के बाईं ओर तथा दूसरा असममित कार्बन परमाणु ध्रुवित प्रकाश तल के ध्रुवित प्रकाश तल को दाईं ओर। इसमें जो दोनों होते हैं वो एक क्या करता है? ध्रुवित प्रकाश तल को बाईं ओर घुमा देता है, दूसरा क्या करेगा? उसको दाईं ओर घुमा देगा। ठीक है, ऐसे जैसे हमने ऊपर देखा था। तो एक क्या करेगा? ध्रुवित प्रकाश तल को आपके किधर घुमा देगा? बाईं ओर। दूसरा क्या करेगा? ये आपका दाईं ओर घुमा देगा। ठीक है, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी, और ये क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज। तो ये दोनों तरफ घुमा देगा। ठीक है, कह रहा है इस कारण संपूर्ण अणु प्रकाश अघोड़क बन जाता है। कैसा बन जाता है? अघोड़क। कह रहा है इसमें असममित तल यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, बीच में से इसको कट करोगे तो बराबर बराबर भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है आंतरिक प्रतिकारक इंटरनल कंपेंसेशन के कारण करा अघोड़क होने से यह डी व एल रूपों में वियोजित नहीं किया जा सकता। इसको हम एल और डी दोनों फॉर्म में इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एल और डी वियोजित नहीं किया जा सकता। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा आपका? लगभग 140 के आसपास। दूसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है? इसी में आपसे रेशमीकरण भी पूछ लिया गया है। ठीक है, रेशमीकरण भी आपसे इसी में
उसने पूछ लिया है, इस पे आपको शॉर्ट नोट दे देगा या आप इस या इसको आपको ठीक है शॉर्ट में दे देगा, ठीक है लॉन्ग में ना देकर इसको केवल इसको आपको शॉर्ट में दे देगा। ठीक है तो देखिए रेशमीकरण क्या होता है, रेशमाइजेशन, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास दोनों एल और डी फॉर्म मिल रही थी हमें, यानी कि रेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो जो नया कंपाउंड हमें मिलेगा, यानी कि 50-50% दोनों को मिला दें तो वो जो नया कंपाउंड हमें मिलेगा उसी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेशमाइजेशन कहलाती है। ठीक है चलिए हम इसको देखते हैं, कह रहा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें दक्षिण ध्रुवक घूर्णक क्या होगा, दक्षिण ध्रुवक घूर्णक, ठीक है यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयवी को या वाम ध्रुवक घूर्णक यानी कि लिवो रोटेटरी को, लिवो रोटेटरी समावयवी को दक्षिण ध्रुवक घूर्णक तथा वाम ध्रुवक घूर्णक के, कह रहा है सम अणुक यानी कि इक्विमोलर, क्या है इक्विमोलर यानी कि बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण में बदलने को रेशमीकरण कहते हैं। ठीक है तो इन दोनों के मिश्रण को बराबर मात्रा में बदलने को क्या कहते हैं, रेशमीकरण कहते हैं, और जो मिक्सर मिलता है उसे हम रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है इसको डी एल या प्लस माइनस द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जैसे कि डी टार्टरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो H2SO4 की क्रिया से क्या कह रहा है, डी एल यानी कि रेशमिक टार्टरिक अम्ल के मिश्रण में बदल जाता है। अगर हम डी टार्टरिक अम्ल ले लें, ठीक है डी टार्टरिक अम्ल जो क्या करेगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा, उसके अगर हम H2SO4 के साथ में क्रिया कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, DL यानी कि मिश्रण मिल जाएगा, किसका इसका रेशमिक मिक्सचर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर मिश्रण जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है मिश्रण में बदल जाता है। तो आपका ये जो है मिश्रण में बदल जाता है, कह रहा है रेशमिक मिक्सचर का वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, कह रहा है रेशमिक मिक्सचर को डी तथा एल के रूप में पृथक करना वियोजन कहलाता है। अब जो हमें रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है उसको दोबारा से हम डी और एल फॉर्म में वियोजित अगर हम कर देंगे तो भाई क्या कहलाएगा हमारा, भाई क्या कहलाएगा, पृथक करना वियोजन करना कहलाता है। ठीक है यानी कि जो हमारा रेशमिक मिश्रण का अगर हम वियोजन करें तो कह रहे रेशमिक मिश्रण को डी और एल फॉर्म रूप में पृथक करना वियोजन कहलाता है, इनको तोड़ देना, ठीक है जो फॉर्म पहले थी उन्हीं को अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या, सोडियम अमोनियम टार्टिक एसिड के दो रूप है, क्या है सोडियम अमोनियम टार्टिक एसिड के दो रूप है, एक ये है दूसरा क्या है इसकी मिरर इमेज है। ठीक ये हमारे पास सोडियम एसिड टार्टिक एसिड का एक कंपाउंड है, ठीक है जिसको हमने कहाँ रख दिया, मिरर के सामने रख दिया, कहाँ रख दिया हमने मिरर के सामने, तो मिरर के सामने रखने पर इसी की अपोजिट डायरेक्शन वाली मतलब एक हमें दूसरी ओर आकृति प्राप्त हो जाएगी, तो ये क्या है आपके मिरर इमेज है एक दूसरे के। ठीक है अब देखो नेक्स्ट आपसे कह रहा है यांत्रिक, ठीक है फर्स्ट क्या है यांत्रिक पृथकीकरण यानी कि मैकेनिकल सेपरेशन उन दोनों का, ठीक है जो डी और एल फॉर्म थे उनका मैकेनिक सेपरेशन हम कैसे करेंगे, कह रहे हैं जब दो प्रकाशित समावयवी भिन्न भिन्न आकारों के दो प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तब उनको आवर्धक यानी कि लेंस, आवर्धक लेंस तथा चिमटी की सहायता से पृथक कर लेते हैं, कब जब दो प्रकाशित समावयवी भिन्न भिन्न आकारों के दो दर्पण बनाते हैं, यानी कि दोनों की आकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है तो इनको हम किससे अलग कर लेंगे, चिमटी की सहायता से हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ऐसा किसने कहा था, कह रहा है पास्तूर ने सन 1948 में सबसे पहले इस विधि से सोडियम अमोनियम टार्ट्रिक रेशमिक रूप यानी कि डी व एल क्रिस्टलों को पृथक किया था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है इनने क्या कर लिया था, इनको अलग कर लिया था, किससे, चिमटी की सहायता से। ठीक है तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट, सेकंड में क्या कह रहा है किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं, दूसरा कह रहा है जीव रासायनिक विधि यानी कि बायोकेमिकल मेथड, तो बायोकेमिकल मेथड से किस तरह से इसको अलग करते हैं, ये भी पास्तूर ने 1858 में यह देखा कि सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जैसे कि ईस्ट हो गया, फफूंद हो गया, बैक्टीरिया आदि विलयन में एक प्रकाशित समावयव के आत्मसात यानी कि उसके लगभग बराबर का ही, ठीक है आत्मसात एसिमिलेट करके दूसरे को विलयन में ही रहने देते हैं, दूसरे को क्या करते हैं विलयन में ही
रहने देते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया ये, आ गया आपका ये, आ गया आपका रेशमी कलर, ठीक है। तो आपका हम कहाँ पर थे, ठीक ये। सॉरी सॉरी बच्चों, चलिए अभी इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। हाँ क्या कह रहा है, फफूंद बैक्टीरिया के ब्लेन में एक प्रतिकारक समावेवी को, यानी कि कोई हमारा कैसा होगा, प्रकाशिक समावेवी यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा, उसको हम क्या करते हैं आत्मसात यानी कि उसी के समान करके दूसरे को ब्लेन में ही रहने देते हैं, उसको हम क्या करेंगे ब्लेन में ही रहने देंगे। और कह रहा दूसरा, विलयन में अवशेष रूप को क्रिस्टल द्वारा क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं यानी कि इसको अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कह रहे हैं प्लस माइनस यानी कि डी और एल फॉर्म का क्या होगा आपका टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको इतना यहाँ तक ध्यान रखना है, इसमें किसमें ये देखे, सेकंड हमारा जीव रासायनिक विधि में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है, रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड। कह रहा है इस विधि में रेशमिक मिश्रण को यानी कि रेशमिक मिश्रण डी और एल फॉर्म के 50-50% का मिश्रण को क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। कह रहा है अन्य उचित द्रवण घोड़क से तब तक अभिकृत करते हैं यानी कि तब तक उनकी अभिक्रिया कराते हैं जब तक कि आपको एक प्रोडक्ट ना मिल जाए, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा होगा, कह रहा है द्विक त्रिविम समावयव, ठीक है। द्विक त्रिविम डाइस्टीरियोमर जैसे हम कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा था, जब तक आपको वो ना मिल जाए तब तक हम उसकी अभिक्रिया कराते रहते हैं, उत्पन्न नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको क्रिस्टलन द्वारा पृथक कर लेते हैं यानी कि उसके बाद उसको क्या मिल जाएंगे आपके हल्के छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप मिल जाएंगे, उसको हम क्या कर लेंगे पृथक कर लेंगे, ठीक है। क्रिस्टलन को पृथक कर लेंगे। तो ये तो था आज का हमारा, ठीक है, रेशमिक मिश्रण वाला। ये आपसे पूछ लेगा टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड के आइसोमर, तो ये इतना ही आप लिख देना, ठीक है, यहाँ तक, और आपका जो है सफिशेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत इससे और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का जज्बा हमें मतलब उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बने रहिए हमारे।